हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एमन फातिमा। तो आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लाई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि पूरे मतलब काफ़ी टाइम मैं इस क्वेरी का आंसर करती हूँ एंड पीपल वांट टू गेट एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग। तो अभी क्या है, इसका ब्रोशर आ चुका है तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि इस प्रोग्राम को जो है पूरा रेगुलेट कर रही है बीएससी नर्सिंग। तो इसका एक कॉमन एग्ज़ाम है, इसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो ये जो कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसमें जो है यूपी के सभी कॉलेजेस लाइक द SGPGI, लखनऊ के GMU, लखनऊ RML, लखनऊ जो है वो देन SFI, देन उसके बाद में जो है ऑल गवर्नमेंट एंड ऑल प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी लाइक हैरन यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड ऑल द प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो इसी एंट्रेंस के थ्रू जो है वो नर्सिंग में एडमिशन होगा। तो इसका जो है भी एप्लीकेशन फॉर्म वो है वो अवेलेबल हो गया है 15 अप्रैल को, सैटरडे को, और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो है वो 18 मई शाम को 6 बजे तक है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि लास्ट डेट से पहले अगर फॉर्म भरना है तो भरते, क्योंकि लास्ट डेट में बहुत ज़्यादा रशअप हो जाता है, तो कोई हैसल ना हो। एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन अवेलेबल होगा, जो कि 25 मई को है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो 4 जून को होगा। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन जो है, आपने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एरिया दिए होंगे उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे। तो 19 एरियाज़ हैं पूरे यूपी में, 19 सिटीज़ में सेंटर दिए गए हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जब व्हाट टाइम आप वहाँ पर कहाँ पर होंगे और आपको कौन से एरिया में एग्ज़ाम देना जाना आसान रहेगा। डेट ऑफ रिज़ल्ट जो है वो वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है, www.atalbihari vajpayee medical university uttar pradesh.education.in। इसका एक हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत है, तो इस नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते। अब जनरल इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू दिस। तो जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो है वो एडमिशन बीएससी नर्सिंग, जो कि 4 इयर्स का कोर्स है, एकेडमिक ईयर 2023-24 का है, और इसमें जो है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है कॉमन टेस्ट कंडक्ट कराएगी, जो 4 साल का कोर्स है, उसमें सभी लखनऊ में जहाँ जहाँ पर भी बीएससी नर्सिंग हो रही है वो इसी एंट्रेंस के थ्रू स्टूडेंट जाएंगे इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में। सारे नर्सिंग कॉलेज जो है एफिलिएटेड हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, चाहे वो बाबा कॉलेज हो, बोरा कॉलेज हो, विवेकानंद हो, कोई भी कॉलेज हो जो इससे एफिलेटेड है, वो SGPGI, KGMU, RML, यूपी स्टेट मेडिकल जो SFI है एंड और गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं या फिर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सब में जो भी एडमिशन जाएंगे वो इसी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जाएंगे, और जो है एक कॉमन टेस्ट है। अब इसके जो हैं वो 19 सेंटर्स जो हैं वो डिसाइड किए गए हैं। तो इसमें है हमारा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गाज़ियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एंड बनारसी। तो इसके जो एरियाज़ है वो ठीक है, क्योंकि यूपी जो है भी मोर जोग्राफिकल एरिया भी है और हाईली डेंस एरिया है, तो ज़्यादा सेंटर होने से आसान रहेगा कैंडिडेट को। और इसमें जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफलाइन कंडक्ट होगा, ब्लैक बॉल पेन से सेंटर पे मिलेगा एंड एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड होगा, कोई भी ऑफलाइन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। नो एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिसीव बाय पोस्ट और एनी अदर मीन्स, आपको जितना भी है वो उसको ऑनलाइन ही देना है। और ये सी बीएससी नर्सिंग को, नर्सिंग के बहुत सारे कोर्स है, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन ओनली फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स, बीएससी नर्सिंग कोर्स जो कि 4 साल का कोर्स है उसके लिए, और 15 अप्रैल से इसके जो है वो ऑनलाइन फॉर्म जो है मिलना शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओनली कंप्लीटेड फिल एंड सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म भी एक्सेप्ट होगा। तो जब भी आप फॉर्म फिल करें, देखिए कि ऐसा नहीं रजिस्टर हो कि आपने कम्प्लीटली सबमिट ही करना भूल गए, तो सबमिशन भी उसका कन्फर्मेशन कर लीजिएगा। अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग फ़ीस, ठीक है। तो इसका जो फीस है वो कितना होना चाहिए, तो इसका जो है जनरल कैटेगरी के लिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया, ऑलरेडी आई गो थ्रू विद द ब्रोशर सो मेनी टाइम, तो इसकी मैंने फ़ीस हाईलाइट करके रख दी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ताकि स्टूडेंट को आसान रहे इसको समझने में। तो कैंडिडेट को जो है वो 3000 अनरिजर्व्ड के लिए है और OBC के लिए, और बाकी SC ST और PW के लिए 2000 है, 1000 का रिजर्वेशन है जो है वो। उसके बाद में क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन
फी शैल बी सबमिटेड ऑनलाइन आफ्टर सक्सेसफुल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद फीस सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद में आपको फीस का पूरा डिटेल देना पड़ेगा। और जब एक बार आपने फीस सबमिट कर दी तो वो रिफंड नहीं, क्योंकि नॉट रिफंडेबल है और नॉन ट्रांसफरेबल, आप उसको किसी उसमें भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ऑलरेडी ये कम्युनिकेट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि 31 दिसंबर 2023 को कैंडिडेट की उम्र 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जितने भी ये प्रोफेशनल कोर्सेस हैं इसमें जो है वो, क्योंकि एक जिम्मेदारी वाला कोर्स है तो मिनिमम एज 17 साल है, 17 से ज़्यादा हो सकती है मगर 31 दिसंबर से उससे कम उम्र में नहीं हो सकती। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमने बहुत कम उम्र में इंटर कर लिया तो हमारा क्यों नहीं, और हम ज़्यादा टैलेंटेड है। टैलेंटेड एक अलग चीज़ है और एक लेवल मैच्योरिटी का भी एक क्राइटेरिया सेट है। तो 31 दिसंबर तक 17 साल के हों तभी आप प्रोफेशनल को, क्योंकि आपके बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, आप एक प्रोफेशनल बॉडी बनने जा रहे हैं, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स है, लेकिन जनरल ओबीसी वगैरह में, लेकिन एससी एसटी के लिए और हैंडीकैप के लिए जो है 40 ईयर्स दी है एज पर INC रेगुलेशन। तो ये सभी INC का रेगुलेशन, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जो रेगुलेशन दिया है, मीन्स इट्स नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर द दिस स्टेटमेंट ओनली यूपी, जहाँ भी जिस भी स्टेट में ये होगा तो ये सबके लिए सेम है, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक सिंगल पैनल है जो नर्सिंग के ऊपर वर्क करता है, रेगुलेटिंग बॉडी। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए, और इसमें मैंने मार्क्स किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 40% जो है वो मिनिमम मार्क्स से पास होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि आपके किसी सब्जेक्ट में कमी, इसमें बहुत आसान से दिया है PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सबको इंडिविजुअलाइज किया गया है, मतलब आपके फिजिक्स में भी 45, क्योंकि इंटर में जो पासिंग मार्क्स होते हैं 33% होते हैं, जबकि हमारे नर्सिंग फील्ड के पासिंग मार्क्स कितने होते हैं 50% होते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके फिजिक्स में 35% आया या ग्रेस आई, तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 45% मार्क्स होने चाहिए एंड टुगेदर पास इन द इंग्लिश, और ये क्या हो सकते हैं, मतलब आपका इतना मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा अगर SC ST OBC है 3 कोर सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए, इसमें जो है इंडिविजुअलाइज नहीं किया गया है। एलिजिबल इंग्लिश इज द कंपल्सरी है, क्योंकि बहुत सारे मेडिकल टर्म्स इंग्लिश में, आपका मीडियम इंग्लिश नहीं होना चाहिए, लाइक आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी में पढ़ी हुई दैट इज़ ओके, पर लेकिन आपके पास एक इंग्लिश अलग से सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि नर्सिंग में बहुत सारे मेडिकल टर्म्स होते हैं और आगे चल के आपको ये इंग्लिश में ही पढ़ना, BSc नर्सिंग जो है वो इंग्लिश में ही रेगुलेट होता है। तो इनिशियली आपको समझने के लिए आपके पास एटलीस्ट इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल फ्रॉम द स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज बाई द स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS रिकॉग्नाइज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर करेक्टिंग द कलर करेक्टिव कॉन्टेक्ट लेंस एंड, तो उसके बाद ही कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर कलर ब्लाइंडनेस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें कलर से रिकॉग्नाइज करनी पड़ती है, लाइक कैनोला के जो नंबर्स हैं, कलर है, तो कलर कोडिंग है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, तो मेडिकल में बहुत सारी चीज़ें कलर के ऊपर डिपेंड करती हैं, ट्राइज बहुत सारी चीज़ें कलर्स पे होती। सो मैंने एग्जांपल्स लाइक द कैनोला का कलर पिंक कलर, ब्लू कलर, तो ये सारे ग्रीन कलर, लंबर पंक्चर की नीडल, ये कलर्स के ऊपर होती है, एंड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट उसके भी कलर्स होते हैं, ब्लैक और ब्लैक ब्लू रेड येलो वाइट, ये सारी चीज़ें, तो ट्राइज कलर। तो हमें कलर ब्लाइंडनेस के बाद भी जो है कैंडिडेट अलाउ है। द सिलेक्शन कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, नो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल परमिटेड टू ज्वाइन द कोर्स अनलेस डिक्लेयर मेडिकली फिट बाय द मेडिकल बोर्ड अपॉइंटेड बाय द यूनिवर्सिटी। मेडिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, 4 साल अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक सीट को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि सीट भी पर्टिकुलर कॉलेज में लिमिटेड, तो आप मेडिकली फिट हो सो दैट यू कैन सर्व फॉर द सोसाइटी, सर्व फॉर द नेशन, सर्व फॉर द अदर्स पीपल। मैरिड कैंडिडेट आर ऑल्सो एलिजिबल। कभी ऐसा होता था कि मेरिट को अलाउ नहीं था, पर अभी जो है ये काफ़ी सारे स्टेट में फॉलो हो रहा है, तो ये जो है एक अच्छी चीज़ है कि मेरिट भी अलाउड है। अब रिजर्व एज पर द स्टेट गवर्नमेंट अंडर द रिजर्वेशन पॉलिसी एंड विद इन द सैंक्शन नंबर ऑफ द सीट बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड नॉट अबव इट। अब जो रिजर्वेशन है वो स्टेट की जो पॉलिसी है वो और इंडियन नर्सिंग काउंसिल से सैंक्शन करने के बाद रिजर्वेशन होगा, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर, क्योंकि स्टेट जो है वो थोड़ा रीजन्स के ऊपर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि रीजन्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो हमारा इंडिया जैसे कि हमें पता है कि हाईली डेंस है, और लाइक कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन
यूनिटी लाइक दिस है। तो बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पे पर्टिकुलर लाइक का साउथ इंडियंस अलग है, मणिपुरी अलग हैं, इधर यूपी बिहार वाले अलग हैं। तो ऐसा नहीं कि हम पर्टिकुलर एरिया को रिजर्वेशन दे सकते हैं, वो जो INC से सेंक्शन है वही रिजर्वेशन हमें देना है, कोई रीजनल रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। उसके बाद में एनी चेंज रिजर्वेशन पॉलिसी विल बी फॉलोड बाई उत्तर प्रदेश स्टाइल का। और जो भी कोई रिजर्वेशन की अगर कोई पॉलिसी चेंज है तो वो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश की कोई पॉलिसी चेंज हो रही है पूरे स्टेट की तभी हम एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डिसेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हॉरिजेंटल है तो 5% हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज लोको मोटर है तो 40-50% तक जो है उसको करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं। उसके बाद में ये है कि इसमें जो कंसीडरेबल है उसके कुछ सर्टिफिकेट बनते हैं तो वो भी रिसेंट के होने चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है ओनली बाय द कंप्लीटिंग अथॉरिटी से होना चाहिए, तहसीलदार से। EWS कोटा जो है 10% में भी होगा एडमिशन एज पर डायरेक्टिव ऑफ द UP गवर्नमेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और वो भी वैलिड अथॉरिटी जो कि तहसील मेंशन किया गया है वहाँ से होना चाहिए। OBC का भी सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 विल बी एक्सेप्टेबल, मतलब 1 अप्रैल के बाद ही जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा बना हुआ, उससे पुराना वाला नहीं। देन EWS वाला भी 1 अप्रैल 2023 जो है वो उसके बाद वाला करेंगे। देन डिपेंड ऑन द फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विल बी एक्सेप्टेबल, फ्रीडम फाइटर जो है वो अभी भी एक्सेप्ट होता है। तो जब कोई फॉर्म होता है, कोई ब्रोशर को हम डिटेल में पते हमें पता था ये कितना बेनिफिशियल है जो हमारे लोगों ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अगर आप किसी ऐसी फैमिली से हैं तो फिर ये बहुत ही एडवांटेज की बात है। एंड वैलिड जो है वो एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल बी एक्सेप्टेबल। NCC सर्टिफिकेट, NCC में बहुत सारे स्टूडेंट इस कॉलेज में स्कूल्स में पार्ट लेते हैं तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो ग्रेड बी इशूड बाय द अथॉरिटी बैटलियन ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉर NCC विल बी उसका एक पर्टिकुलर उसी में फॉर्मेट तभी उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल पॉइंट है, मैं सारे पॉइंट्स को इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि आप उस पर डिस्कस करके समझ सके, और किसी को कमेंट हो तो वो भी मुझे वो डिस्कस कमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट को गो थ्रू होना ही पड़ता है। देन ब्रोशर को मैंने बहुत ही केयरफुली रीड आउट किया स्टडी के, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी हाईलाइट भी कर रखा है। कैंडिडेट मस्ट बी रीड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम केयरफुली बिफोर फिलिंग इट, एप्लीकेशन की वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है। और उसके बाद में ये है कि कोई भी ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट को जो है वो मस्ट बी गिवेन ऑल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया, ऐसा नहीं आपने कुछ भी भर दिया बाद में देख लेंगे, नहीं आपने जो भरा है बिल्कुल करेक्ट, और उसको आपने क्या करना है एग्री करना है एक्सेप्ट करना है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपका एडमिशन करेक्ट नहीं है। द एडमिशन ऑफ टू BSc नर्सिंग विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस भी होगा। उसके अपने इट देयर बाय इन्फॉर्म दैट इफ़ एनी एप्लीकेशन है प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन सोली फॉर द पर्पस ऑफ अपेलिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर प्रैक्टिस और अदर पर्पस द एप्लीकेशन विल बी डिबेयर्ड फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन पेरेंट्स गार्जियन और इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द रजिस्टर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होने के चांस होते हैं, अक्सर कैंडिडेट जहाँ से फॉर्म भरते हैं उनके मोबाइल नंबर डाल देते हैं, उनका ईमेल आईडी डाल देते हैं, क्योंकि इंटर के बाद इतना शायद एक्सपोजर नहीं होता है, तो बाद में जो इन्फॉर्मेशन है वो उस नंबर उस मेल पर जाती है जो हमारे तक नहीं पहुँच पाती है। तो अपना ही अपने गार्जियंस का अपने वेल विशर जहाँ से उनको वही नंबर डालना चाहिए, रजिस्टर लॉगिन क्रीडेंशियल ईमेल और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद में कैंडिडेट शुड रजिस्टर फ्रॉम पर्सनल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ओनली एंड रजिस्ट्रेशन नंबर शुड नॉट बी शेयर विद एनी अदर पर्सनल फॉर सिक्योरिटी पर्पज। ठीक है, तो उसको अपना जो है अपना ही आईडी अपना नंबर देना चाहिए और किसी और से शेयर भी नहीं करना चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ नोट, उसको अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि इससे कभी कभी होता है अपना वो लॉगिन कर सकते हैं। एडमिशन डिस्क्लेम एनी लायबिलिटी दैट मे अराइज टू अ कैंडिडेट ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय हिम और हर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट मस्ट चेक द इंश्योर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिफिल बाई आर देम करेक्ट। कभी कभी हम फॉर्म करते टेक्निकल एरर भी हो जाता है तो उस वजह से उसको बार बार चेक करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। नो चेंज इन द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी आफ्टर फाइनल सबमिशन, अगर आपने एक बार फाइनल सबमिट कर दिया तो कोई भी चेंज नहीं होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी फ्यूचर। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें देखना, ये तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है ब्रोशर का।
अब फीस से रिलेटेड, क्योंकि फ़ीस मैंने बता दी है 3000 जनरल और ओबीसी के लिए है, बाकी 2000 है कंसिडरेशन अदर्स के लिए, एस सी एस टी एन पी डब्ल्यू डी पी डब्ल्यू। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी है तो वो रिफंडेबल नहीं होगी, तो उसके लिए जो है ये ऑलरेडी डिक्लेयर है, आप कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। एक बार आपने सबमिट कर दिया तो विड्रॉन भी नहीं होगी, और नो देयर डिडक्शन द फी फ्रॉम द बैंक अकाउंट एंड नॉट प्रूफ ऑफ फी पेमेंट एंड द पेमेंट शुड बी सपोर्टेड बाई फी पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, तो आप जो पेमेंट करें वो फी पेमेंट के उससे सपोर्ट में होना चाहिए, और देखना चाहिए कि आपके अकाउंट से बाकायदा पैसे कटे हैं कि नहीं कटे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका पेमेंट नहीं पहुँचा तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। स्टेप नेक्स्ट स्टेप्स फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, इस चीज़ का तो ये सारी चीज़ें पहले तैयार रखनी चाहिए। तो लेकिन मैं फिर भी एक बार बोलूँगी कि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपनी वो सारी चीज़ें रेडी रखिए जो आपको फिल करनी है, सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। ये नहीं कि आपने वेबसाइट खोली अब जल्दी जल्दी कुछ भी भर दे रहे, बाद में घर जाके चेक किया, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, पे करना है, फॉर्म फिल करना है। तो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन करने विल हैव टू सबमिट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जो भी सर्टिफिकेट में है, ये नहीं आपके घर में क्या बुला रहे हैं, फादर का नेम जो आपके सर्टिफिकेट में, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एज, जेंडर, ठीक है। ईमेल एड्रेस वैलिड आपका ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अगर आप साइबर कैफे में गए साइबर कैफे वाले का ईमेल या नंबर डाल दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, कैटेगरी और सब कैटेगरी। तो ये सारे पॉइंट्स क्या करने हैं, कवर करने हैं। सक्सेसफुल कंप्लीशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म करने विल रिसीव हिज़ रजिस्ट्रेशन आईडी एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सबमिट एट दिस स्टेज विल बी ऑटो फिल इन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन 1 एंड द एप्लीकेशन फॉर्म। प्राइमरी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी चेंज एंड और अल्टर एनी लेटर स्टेज। तो उसको बहुत ध्यान से जो है वो भरना है जो भी जो है इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बार बार चेंज करने का ऑप्शन हर बार नहीं। अब इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट कैंडिडेट डिटेल लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर्स एंड फादर्स नेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट मैच विद द क्लास 10 सर्टिफिकेट। तो आपको वो मैच करना है, अगर आपकी गलती आपने करेक्शन के लिए दिया है वो बात की बात है, लेकिन पहले आपको वही भरना सो दैट कि आपका वो उसमें से जो है वो सेम नेम आ सके, ठीक है। द रजिस्ट्रेशन आई डी नंबर इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट, मस्ट बी केप्ट सिक्योरली एंड नॉट टू शेयर विद द अदर्स। इफ़ द कैंडिडेट फॉरगेट द रजिस्ट्रेशन आई डी नंबर, दे कैन क्लिक फॉरगेट एंड रजिस्ट्रेशन आई डी नंबर टू रिसीव द यूनिक रजिस्ट्रेशन आई डी नंबर ऑन देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर SMS और उसके बाद में वो सेट कर सकता है। लॉग इन एंड फी पेमेंट, ठीक है, रजिस्टर करना है, लॉग इन करना है, फॉर्म को फिल करना है, बटन फॉर BSc नर्सिंग। उसके बाद में क्या करना है, ये करने के बाद आपको सेकेंड पॉइंट पे अटेंड करना है। अगर कैंडिडेट ने रजिस्टर आईडी, दे कैन क्लिक ऑन द फॉरगेटन आईडी जो मैंने बताया है, इसमें सब मेल आएगा। और उसके बाद में क्या है, वन द कैंडिडेट हैज सक्सेसफुली लॉग इन टू द CNET 2023 एप्लीकेशन डैशबोर्ड, दे विल हैव टू क्लिक ऑन पे फी फॉर BSc नर्सिंग बटन, पे द मैंडेटरी एप्लीकेशन फीस, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने पे करना है कि मैंडेटरी एप्लीकेशन फीस, तो उसका एक फीस डेजिग्नेटेड फीस है जो आपके एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने से उसके लिए यूज़ होता है, तो ये ज़रूरी है। उसके अंदर पे फॉर द BSc नर्सिंग बटन विल बी रीडायरेक्ट टू एन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन वाया अ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और UPI। तो ये आजकल बहुत सारे ऑनलाइन मोड है, इसके थ्रू का पेमेंट फेल हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, कैन अटेम्प्ट द पेमेंट अगेन कर सकते हैं, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट टू फ्रेश पेमेंट ओनली आफ्टर रिसीविंग मैसेज ऑफ अनसक्सेसफुल पेमेंट और लास्ट पेमेंट डन, और इफ़ नो मैसेज रिसीव शुड वेट फॉर 30 सेकेंड। ऐसा नहीं कि आपका फेल हो रहा फिर अगेन आप ट्राई करें, पहले आप देख लीजिए कि आपका हुआ नहीं हुआ तो फिर वेट करिए, उसके बाद दोबारा ट्राई करिए। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा लेट कन्फर्मेशन होता है पेमेंट का, तो आपका डबल पेमेंट ना हो या फिर ये हो कि दो बार पेमेंट हो, वहाँ पेमेंट क्या हो, कुछ एरर के लिए हमें वेट करना चाहिए। इफ पेमेंट स्टेटस इज पेंडिंग द कैंडिडेट कैन मैनुअली फेच द लेटेस्ट पेमेंट स्टेटस बाई क्लिकिंग द गेट पेमेंट स्टेटस, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। इन केस ऑफ मल्टीपल और डुप्लीकेट पेमेंट द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिफंड इन द अमाउंट ऑफ द बैंक अकाउंट डिटेल प्रोवाइड फॉर रिफंड एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। द लेटेस्ट सक्सेसफुल पेमेंट विल बी कंसिडर फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ओल्ड पेमेंट विल बी रिफंड। अगर कभी आपका दो बार हो भी गया तो भी रिफंड हो जाएगा, तो कोई जो है कंसर्न टेंशन की बात नहीं।
कैंडिडेट को क्या मिलेगा, एक रिसिप्ट मिलेगी कि पेमेंट हो गया है। उसके बाद में कंफर्म हो जाए, अगर एक बार आपका पेमेंट कंफर्म हो गया तो आप फिल फॉर्म करके बटन करके जो है कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द फिल फॉर्म बटन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इफ़ द कैंडिडेट फॉरगेट देयर रजिस्ट्रेशन नंबर दे कैन क्लिक फॉरगेट एन आई डी अगेन एंड अगेन, दे गेट द नंबर, दे गेट द यूनिक नंबर एंड दे कैन एन रजिस्टर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग्स एंड सबमिशन। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, इसको सारे स्टेप्स को सबसे पहले जो है वो स्टेज वन पे उसको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, स्टेज टू पे एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें 10th और 12th की, और सारे जो हैं बोर्ड्स और उनके नंबर। ये बहुत अच्छा डाउट हो कि अगर स्टूडेंट ने अपेयरिंग लिखा है तो उसके बाद में काउंसलिंग के टाइम उसको अपने सारे मार्क्स वगैरह जो है वो काउंसलिंग के टाइम जो है उसको प्लीज़ नोट द कैंडिडेट विल हैव टू स्टिल अपडेट द क्लास 12 मार्क ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस टू बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन। ठीक है, आपने एंट्रेंस एग्जाम तो दे देंगे लेकिन आपके जो मार्क्स हैं वो काउंसलिंग उसको रजिस्टर कराने पड़ेंगे, सो दैट आपका ये नहीं कि अभी कम मार्क्स हैं और फिर काउंसलिंग आपकी हो गई, आपने अपेयरिंग में डाल दिया कि आपने अपेयर किया है और इस साल, और उसके अपने मार्क्स जो हैं वो बाद में डाल सकते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छी चीज़ है फ़ोटो सिग्नेचर एंड वेरिफिकेशन। तो ये जो है क्या, क्योंकि आप 12 के बाद अभी बहुत सारे फॉर्म भरोगे, इसके बाद जॉब्स के भरते भरते तो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो इसमें ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने लगा है, होने वाला है बच्चों के लिए। तो उनको क्या करना है, डिजिटल फ़ोटो जो है वो साइन करें, डिजिटल मतलब ऐसा नहीं कि फ़ोटो ले, उसका अपना स्कैन फ़ोटो होना चाहिए, स्कैन कॉपी एंड वेरीफिकेशन फॉर्म फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द सीनेट 2023 एप्लीकेशन डैशबोर्ड और एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेज 4 इट इज एडवाइज टू हैव द वेरिफिकेशन फॉर्म प्री फिल बिफोर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो आप इसको वेरिफिकेशन फॉर्म पहले से ही निकाल के भर लीजिए, बस उस टाइम उसको लोड कर। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेज 5 रिफंड डिटेल, अगर हो रहा है कोई ऐसा तो रिफंड है तो उसके लिए क्या क्या अपना बैंक, उसके बाद में कन्फर्म करना है, एडिट करना है अगर, तो फिर ये सारा जो है फाइनल सबमिशन। तो ये करके आप इसको कर सकते, इन केस तो ये तो बहुत रेयर हैपनिंग केस है। 11 फ़ोटोज़ को अपलोड करना, और फ़ोटो आपने डायरेक्ट खींचा है तो बहुत MB का होगा, लेकिन फ़ोटो मोस्टली KB में लोड होते हैं, तो उसके लिए आजकल बहुत सारे स्कैनर हैं जो स्कैन यूज़ करेंगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पॉइंट को जो है वो हाईलाइट किया है कि ऐसा क्यों होना है। तो फोटोग्राफ जो है फुल फॉर्म वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में विदाउट स्पेक्टिकल्स, बोथ एयर शुड भी, दोनों कान दिखने चाहिए। अक्सर हम, मैं भी करती हूँ, हिजाब बांध के या फिर सर से दुपट्टा ओढ़ के, तो ऐसा जो है नहीं, उसका एक विजिबल फ़ोटो होना चाहिए क्योंकि वो हमारे फीचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए है। और डेट ऑफ बर्थ, उसके अलावा जो फॉर्मेट है वो JPG ऑलरेडी गिवन है तो पहले से रेडी रखिएगा JPG, और 500 से 200 KB की भी जो कि स्कैन से ही पॉसिबल है, अगर आप डायरेक्ट फोटो खींचेंगे तो MB में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा डाउनलोड में। डायमेंशन भी उसका डिसाइडेड स्टैंडर्ड है 4.5 to 3.5। कैंडिडेट को जो है वो डार्क ग्लासेस जो है नहीं पहनने हैं, द कैन नॉट बी वेयरिंग एनी हैट कैप, और क्योंकि इससे जो है आइडेंटिटी में डिफिकल्टी हो सकती है कि किसी और का फोटो हमने अलग अलग एक पर्टिकुलर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है वही फोटो जो है वो होना चाहिए, तो वो दिस इज़ वेरी, ताकि किसी भी तरीके का फॉल्स होने का चांसेस ना रहे, तो दिस इज़ वेरी गुड। उसके बाद में क्या, सिग्नेचर जो है वो रनिंग हैंड राइटिंग, ऐसा नहीं कि आप सोच के लिखेंगे, रनिंग हैंड राइटिंग जो कि सिग्नेचर का एक इंडिकेशन है। उसके बाद में क्या होना, शुड बी ऑन अ पेपर विद अ वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, कभी कभी आजकल लोग स्क्रीन पे भी साइन करते हैं या फिर जैसे डिलीवरी वाले करवाते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं आता, तो स्क्रीन पेपर पे होना चाहिए। उसके बाद में JPG फॉर्मेट में होना चाहिए क्योंकि JPG फॉर्मेट में जो है वो उसका साइज़ कम रहता है। कैपिटल में सिग्नेचर डन इन कैपिटल लेटर इज नॉट, कभी भी कैपिटल में होता है तो नहीं करेगा, आपका एक फ्लो राइटिंग होना चाहिए। सिग्नेचर इमेज शुड बी स्कैन ऑन फोटोग्राफ्स फॉर अपलोडिंग। ओवर राइटिंग सिग्नेचर जो है प्रोबिटेड, थोड़ा समझ में आना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी ऑफ द कैंडिडेट ओनली एंड नॉट ऑफ समवन एल्स, ठीक है, कैंडिडेट का भी होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो है वो हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब फॉर्म आपने भर दिया, अब अगला मेन आ गया है आपका ग्रीन लाइन एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑनलाइन एंड कैन बी डाउनलोड थ्रू द वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद में क्या होना चाहिए, ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल होगा
शुड टेक अ कलर प्रिंट आउट, क्योंकि इसमें आपका फ़ोटो है तो कलर बहुत मैंडेटरी है। नॉट बी सेंड, पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, तो आपको पोस्ट का वेट नहीं करना है, ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है। आजकल सब ऑनलाइन हो गया, तो आपको ऑनलाइन मिलेगा। पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहता था, फिर ऐसा होता था सेंटर पर मिल जाता था, अभी सिर्फ ऑनलाइन ऑलरेडी है। तो आपको इसीलिए बोलते हैं ब्रोशर बहुत संभाल के पढ़ना चाहिए। उसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर डुप्लीकेट है तो वो फिर एग्जामिनेशन सेंटर पे इशू हो जाता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम लगे, हो सकता है आपका एग्ज़ाम भी छूट जाए, तो प्लीज़ आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। द कैंडिडेट मस्ट उसके द कैंडिडेट मस्ट नॉट क्या है मुटलेट एडमिट कार्ड एंड चेंज एंट्री मेड, अच्छा कुछ भी उसमें वो नहीं करना है कि चेंज करना, जैसा है वो वैसे रहना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू प्रिजर्व एडमिट कार्ड फॉर गुड कंडीशन फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अपना एडमिट कार्ड को अच्छे से रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इश्यू ऑफ एडमिट कार्ड हाउ एवर शैल नॉट नेसेसरी मीन एक्सेप्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी विच शैल बी फर्दर जो है स्क्रूटनिंग एंड स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार हो गया तो आपको ये जो है दोबारा स्क्रूटनिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। द कैंडिडेट विल बी फोटोग्राफ वीडियोग्राफी अलॉन्ग विद एडमिट कार्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर फॉर, हाँ जो एग्जामिनेशन है उसमें आपको क्या होगा, आपके एडमिट कार्ड का आपका फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगा जो ऑलरेडी से इन्फॉर्म्ड है। ऐसा नहीं कि हम फोटो नहीं खिंचाएंगे वीडियो नहीं खिंचाएंगे, जो वेरीफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है वही एडमिट कार्ड में फोटो है, वही वही कैंडिडेट एग्जाम देने आया है। डिजिटल फॉर्मेट ऑफ द एडमिट कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्ट एट द सेंटर। अब एग्ज़ामिनेशन जिसका सब बहुत इंतज़ार रहता है सीनेट का, तो एग्ज़ामिनेशन तो संडे को ही होते हैं ऑलमोस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ये 4 जून 2023 संडे को होगा, 11 से 2 बजे के बीच में होगा इसका टाइमिंग, 11 से 2 बजे 3 घंटे में इसका टाइमिंग है, 180 मिनट। और इसका वेन्यू जो है वो एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा, आप सिटी डिसाइड करेंगे पर कौन से जगह पर होगा वो आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा। मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है वो MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, क्वेश्चन भी जो है मल्टीपल होगा, क्वेश्चन टू बी आंसर ऑन द ऑप्टिकल मार्क्स रीडर शीट OMR शीट होगी, ठीक है। और उसको क्या होगा, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से सेंटर पे उसको डार्क करना रहेगा। क्वेश्चन 200 रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए जो है 1 मार्क्स होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, तो सारे क्वेश्चन अटेंड करने में ही फ़ायदा है। मीडियम इसका इंग्लिश होगा, नर्सिंग और इसमें क्या क्या आएगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20% आएगा, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%, बायोलॉजी 20%, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज इंग्लिश 20%, और इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड आएगा वो, तो ये इस कॉम्पोजिशन में जो है वो बनेगा रिजल्ट सिलेबस। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड 20, फिजिक्स 20, केमिस्ट्री 20, सब सेम प्रोपोर्शनेट में, तो सभी का इक्वली पूछा जाएगा। मिनिमम क्वालिटी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होंगे एंट्रेंस एग्जाम के, इससे पहले था एलिजिबिलिटी ऑफ द फिलिंग द, क्योंकि जो फॉर्म फिल करेगा उसका इंटर में 45% होना चाहिए, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए 50% होना चाहिए। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट में पासिंग मार्क 33% होते हैं तो 45, और बट नर्सिंग की फील्ड में अब हमारे पासिंग मार्क 50% होते हैं, तो इसके लिए 50% रखा गया। बाकी अदर कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन है, PWD के लिए 45% और SC ST OBC के लिए 40% है। उसके बाद में इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलो एट द एग्जामिनेशन सेंटर पे, शार्प जो है 9 बजे रिपोर्ट करना है, 2 बजे बिफोर द एग्ज़ाम। उसके बाद में 10 नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन, मतलब 45 मिनट पहले आपकी एंट्री रुक जाएगी, एट लाइक जैसे एयरपोर्ट पे होता है, क्योंकि उसमें अंतर भी सेटलमेंट करना रहता है। तो ये तो अच्छी चीज़ है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू बी सीटेड 30 मिनट प्रेयर टू स्टार्ट एग्ज़ाम, 30 मिनट पहले बैठ जाना है। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल, कॉमन है। और उसके लिए एक OMR शीट मिलेगी, उसको इंडिविजुअली फिल करना है। और उसके बाद में कोई भी अनफेयर मीन में एग्ज़ाम अटेंड नहीं करना है। अब एग्जामिनेशन सेंटर पे किसी भी तरह के मटेरियल जो होगा, बिट्स, पेपर, एयरफोन, आईफोन, ये कुछ भी अलाउड नहीं होगा। तो आपकी जितनी भी जो है वैल्यूएबल चीज़ें उनको मिनिमम कैरी करिए, और जो है कोशिश करिए, क्योंकि आपको हैंडओवर भी करना पड़ेगा, लेना भी पड़ेगा, तो कोशिश करिए कि मिनिमम वैल्यूएबल चीज़ें आप कैरी करें। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस भी वहाँ पर अलाउड नहीं होगा, अदर लाइक वॉलेट, गॉगल्स, बेल्ट कैप एक्स्ट्रा जो है वो
वो भी जो है वो अलाउड इसलिए नहीं करती क्योंकि ज़्यादा चांसेस चेकिंग के, वॉच रिस्ट वॉच ब्रेसलेट कैमरा एक्सेट्रा, एनी ऑर्नामेंट्स मेटेलिक आइटम, एनी फूड आइटम ओपन और पैक्ड, वाटर बॉटल एक्सेट्रा, एनी अदर आइटम विच कुड बी यूज फॉर अनफेयर मीन बाय हीटिंग कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ माइक्रोफोन कैमरा ब्लूटूथ डिवाइस। तो ये सारी चीज़ें पहले से है कि अलाउड नहीं होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर कि इनको लेके ना जाया जाए एट द एग्ज़ाम सेंटर पर, ताकि आपको ज़्यादा जो है टाइम चेकिंग चेकिंग में इन्वेस्ट ना हो। अनफेयर मीन्स ऑफ एग्जाम बींग, अब अनफेयर का क्या मतलब है ये सारे पॉइंट्स तो बताओगे, तो जाना है, लिखना है, एग्ज़ाम देना है, बाकी ये सारे पॉइंट्स को टच नहीं करना है, जिससे क्या हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम में डिस्टर्ब हो। तो अनफेयर के बहुत सारे हैं, बींग अ पोजिशन ऑफ एनी आइटम आर्टिकल विच इज़ बीन टू प्रोहिबिटेड कैन बी यूज फॉर द अनफेयर, लाइक अ हेडफोन हो गया, पेन के अंदर कुछ रख लिया, ये कोई डिवाइसेस यूज़ किया, तो अवॉइड करना है कि डिजिटल वॉच हो गया तो ये सारी चीज़ें हमें जो है, या फिटनेस वॉच हो गया तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, किसी दूसरे का एम आर शीट किसी दूसरे से पेन मांग रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। टेयरिंग द एम आर शीट, कॉन्टेक्टिंग और कम्युनिकेशन और ट्राइंग टू डू सो विद एनी पर्सन, तो किसी से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश, तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स अनफेयर वे में माने जाएंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम कैंसिल होने का चांस रहेगा। टेकिंग अवे द आंसर शीट ओरिजिनल OMR ऑफिस कॉपी OMR आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, अपनी OMR शीट को ऑफिस से बाहर ले जाना, उसके बाद में ये सारे पॉइंट्स जो हैं, यूजिंग अटेम्पिंग एनी अदर आउट साइड मैथड, मैनिपुलेटिंग फैब्रिकेशन, फोर्सफुल एंट्री एंड एग्जिट, यूज़ अटेम्प्ट टू यूज़ ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेकिंग फेक क्लेम्स और मैनिपुलेटिंग द रिस्पॉन्स इन द OMR शीट, क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल इन द स्मूथ एंड फेयर कंडक्टिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, आप वहाँ पर कोई तमाशा नहीं कर सकते, एनी अदर माल प्रैक्टिस डिक्लेयर एज अनफेयर मीन्स बाई द यूनिवर्सिटी। तो ये सारे जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है कि ये सारे एक्ट को अवॉइड करना है द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। उसके अलावा क्या है, अगर आपने किया तो क्या ये इसका पनिशमेंट होगा, ड्यूरिंग द कोर्स और बिफोर और आफ्टर द एग्जामिनेशन इफ द कैंडिडेट जो है इंडल्स इन एनी ऑफ द एबव और सिमिलर प्रैक्टिस, ही शी शैल बी डीम्ड टू हैव यूज अनफेयर प्रैक्टिस एंड बुक्ड अंडर द अनफेयर मीन्स, के द कैंडिडेट वुड बी डिबेयर्ड फॉर 3 years इन द फ्यूचर एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू क्रिमिनल एक्शन और एनी अदर एक्शन एज अ डीम फिट। क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, उसमें अगर आप कोई इशू करेंगे या कोई ऐसा अनफेयर करेंगे जिसकी वजह से काफ़ी लॉसेस होगा और काफ़ी रीशेड्यूल करना पड़ेगा एग्जाम अदर स्टूडेंट का, तो इसके लिए काफ़ी कोई भी अनफेयर एक्ट नहीं करना है। अब नाउ द सेकेंड लास्ट पेज ऑफ द ब्रोशर, कैंसिलेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सीनेट कैंसिलेशन 2023, द कैंडिडेट हु इज़ इंडल्ज इन अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस विल बी कैंसिल एंड विल नॉट बी डिक्लेयर। ठीक है, जिन लोगों ने ऐसा करेंगे तो उनका एक्ट जो है वो रिकॉर्ड होगा बाई रिकॉर्डिंग, और उसको क्या है कैंसिल करेंगे, उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, इसलिए पहले ही बता दिया गया था कि आपका एक्ट रिकॉर्ड होगा। सिमिलरली द रिजल्ट ऑफ दोज कैंडिडेट हु अपेयर फ्रॉम द सेंटर अदर देन द वन अलॉटेड ऑफ देम राइट ऑन द टेस्ट बुकलेट OMR शीट एंड अदर कैंडिडेट आर अलाउ अदर कैंडिडेट टू राइट द अदर देयर टेस्ट बुकलेट OMR शीट विल बी कैंसिल एंड विल नॉट बी डिक्लेयर। तो ऐसा कोई अगर जो अनफेयर एक्ट रहेंगे, दूसरे का रिजल्ट लिखेंगे, दूसरे सेंटर पर जाएंगे, तो उन लोग का भी जो है वो उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट जो है वो अनाउंस होगा इसी वेबसाइट पे www.abvmuup.edu.in पे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फ्रॉम द मार्क्स ऑब्टेन इन द एंट्रेंस एग्जाम, कॉम्बिनेशन मार्क लिस्ट एंड कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन। ठीक है, मार्क्स जो हैं वो आपके होंगे और एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, उसमें पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है। द इंटर सी मेरिट इज कैंडिडेट बाई टाई ब्रेकिंग। ठीक है, कैंडिडेट ऑप्टेन हायर मार्क्स इन बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी इन द टेस्ट फॉलोड बाई कैंडिडेट ऑप्टेन हाई मार्क्स इन द केमिस्ट्री इन द टेस्ट फॉलोड बाई द कैंडिडेट ऑप्टेन हाई मार्क्स इन द फिजिक्स इन द टेस्ट फॉलोड बाई इंटरमीडिएट एंड प्लस टू एग्जामिनेशन मार्क परसेंटेज इफ द केस ऑफ द मार्क्स आर सेम सेम द इंटरमीडिएट रैंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ द बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स विल बी कंसिडर हायर एज
ओल्डर, ठीक है। तो जब इसकी रैंकिंग होगी तो ऐसे बहुत सारे होंगे जिनके जो हैं वो मार्क्स सेम होंगे, तो किसको हम रैंकिंग करेंगे उसको भी पहले से डिसाइड कर रखा है इस ब्रोशर में। काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग शैल बी डन बाई अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो ये ईजी हो जाएगा। सिर्फ एग्ज़ाम ऑफलाइन है, एवरी थिंग इज़ ऑनलाइन। लखनऊ एंड डेट्स विल बी अनाउंस ऑन द अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश वेबसाइट आफ्टर द डिक्लेयर ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट और रैंकिंग के बाद जो है वो आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। डिटेल फॉर काउंसलिंग विल बी अवेलेबल आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग का जो है वो डिक्लेरेशन होगा। एडमिशन, द सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ द कॉलेज शैल बी डन बाई मेरिट लिस्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ बीएससी नर्सिंग कोर्स कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 एंड काउंसिलिंग। द कैंडिडेट हु हैड क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू द बीएससी नर्सिंग कोर्स शैल डिपोजिट द प्रिस्क्राइब फी ऑन द डेट नोटिफाइड फॉर द पर्पज बाई द यूनिवर्सिटी। दोज हु फेल टू डू सो विल लूज देयर क्लेम फॉर एडमिशन टू द कोर्स। तो इसमें क्या होगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आपको सिलेक्शन होगा और उसका पर्टिकुलर प्रपोज फीस फिल करनी पड़ेगी। अगर आपने फिल नहीं की तो आप एडमिशन जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। फी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एडमिशन। कैंडिडेट शैल ज्वाइन द कोर्स विद इन द स्पेसिफिक पीरियड, आपको ऑलरेडी बता दी जाएगा तो उसको उसी पीरियड में ज्वाइन करना है। COVID-19 के गाइडलाइन क्या है, आफ्टर कोविड इज ऑल्सो कम विद द एवरीथिंग डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन प्रिवेलिंग देम द गाइडलाइन एज इशूड बाई द गवर्नमेंट विल बी फॉलोड। गवर्नमेंट उस टाइम पे जो भी गाइडलाइन होगी वो हम फॉलो करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। इंपॉर्टेंट नेम्स के, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल वाइस चांसलर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी लखनऊ शैल बी फाइनल। अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ या कोई डाउट हुआ, दो लोगों के सेम नंबर एवरीथिंग इज सेम, कोई क्लेम करता है तो वाइस चांसलर का डिसीजन ही आखिरी डिसीजन होगा। इन केस ऑफ एनी लीगल डिस्प्यूट द जुडिशन विल बी लखनऊ कोर्ट एंड जुडिकेचर्स ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ओनली, उसी के थ्रू उसको माना जाएगा। सो नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी यूजफुल लगेगा, क्योंकि इस ब्रोशर के सारे पॉइंट्स को मैंने गो थ्रू किया है। बहुत सारे क्वेरीज आते हैं स्टूडेंट की, अब इसके बाद क्या करें, एडमिशन लेना है मैम, काउंसिलिंग के टाइम भी आते हैं, तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी सभी लोगों को एडमिशन के लिए। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आप किसी टाउन में हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट में है, लखनऊ तो नहीं आ सकते, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिए, सो दैट आई कैन गेट द इन्फॉर्मेशन एंड गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन। वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और ऐसे ये जो यूट्यूब है इसको, इट इज़ अ मीडिया, तो लाइक अ कम्युनिकेट, और हम जिससे अपनी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू। तो एक बार जो है